क्या 15 अगस्त को दिल्ली बनने वाला है ढाका? क्या 15 अगस्त को भारत के होंगे बांग्लादेश जैसे हालात? क्या भारत को बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं राहुल गांधी? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। क्या 15 अगस्त को दिल्ली बनने वाला है ढाका? क्या 15 अगस्त को भारत के होंगे बांग्लादेश जैसे हालात? ये सवाल चिंता का विषय है क्योंकि किसान मोर्चा की ओर से 15 अगस्त के दिन पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने का ऐलान किया गया है। वहीं राहुल गांधी भी संसद में कहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर क्यों बंद किए गए हैं, किसानों को मुझसे मिलना है, उन्हें यहां आने दिया जाए। राहुल गांधी ऐसे बयानों को देने से पहले एक बार नहीं सोचते उस मंजर के बारे में जब शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी और किसान जख्मी हो गए थे और कई लोगों की जान भी चली गई थी। पिछली बार किस तरह किसानों ने पुलिस वालों पर आक्रमण किया था, शायद वो राहुल गांधी भूल गए हैं या राहुल गांधी वही मंजर दोहराना चाहते हैं जो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है, जहां पूरा देश जल रहा है, मासूमों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। 15 अगस्त को किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर आक्रामक होने वाले हैं और राहुल गांधी हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के होते हुए राहुल गांधी के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी पर देश के कृषि मंत्री ने संसद में राहुल गांधी को खरी खोटी सुना दी है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी किसानों का हिंसा में समर्थन करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर कांग्रेस कहती है कि मुआवजे के लिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब खुद की गलती मानने की बजाय किसानों पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसी दोगलेपन पर और भारत की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक्शन ले लिया है और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब कांग्रेस की क्लास लगा दी है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है और क्या है किसानों का आगे का पूरा मुद्दा, चलिए विस्तार से जानते हैं। जब राज्यसभा में अचानक मामा को आया गुस्सा, देश के कृषि मंत्री ने किसानों की आत्महत्या के मामले पर सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस को खरी कोठी सुनाई। दिग्विजय सिंह की ओर इशारा करते हुए उन्होंने जमकर हमला किया। कांग्रेस पार्टी पर भड़कते हुए केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। जब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब किसान मारे गए थे, इसके सामने दिग्विजय सिंह बैठे हैं, इनके हाथ खून से सने हैं, 24-24 किसानों को मारा गया है। साथ ही कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस पर कांग्रेस की तरफ से अजीबोगरीब बयान आ रहा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कर्नाटक की बात करें तो 15 महीने में कर्नाटक में करीबन 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भाजपा ने कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या की अनदेखी का कांग्रेस पर आरोप लगाया तो कांग्रेस ने सरकार पर किसानों और कृषि को शकुनों की चौपट का मोहरा बनाने का आरोप मर दिया है। इसी पर संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब दे दिया है। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर कांग्रेस पर रिकॉर्ड तोड़ हमला, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कहते दिखते हैं, लेकिन कई बार तो तमतमाते हुए विरोधियों की क्लास भी लगा देते हैं। सोमवार को राज्यसभा में कुछ ऐसा ही हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा है कि मैंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। जब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब किसान मारे गए थे, इसके सामने दिग्विजय सिंह बैठे हैं, इनके हाथ खून से सने हैं, 24-24 किसानों को मारा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कांग्रेस शासन के दौरान हुए गोली कांड को गिनाते हुए कहा कि साल 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी तब गोलीबारी में करीबन 23 किसान मारे गए थे। 1988 में दिल्ली में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गोली चलाई गई थी, उसमें 2 किसान मारे गए थे। 1988 में ही मेरठ में किसानों पर गोलीबारी हुई थी और 5 किसान मारे गए थे। 23 अगस्त 1995 में हरियाणा में इनकी सरकार ने गोली चलाई जिसमें 6 किसान मारे गए थे। 19 जनवरी 1998 को मुल्ताई एमपी में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए थे। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस ने किसानों को सीधी मदद की बात की, लेकिन कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं बनाई। ये योजना हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई, विपक्ष को समझ में नहीं आएगा, लेकिन छोटे किसानों के लिए 6000 रुपए की राशि मायने रखती है। इस किसान सम्मान निधि के कारण किसान
आत्मनिर्भर बने हैं, किसान सशक्त भी हुए हैं और किसानों का सम्मान भी बढ़ा है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए केंद्र सरकार पात्र और जरूरतमंद किसानों को आर्थिक मदद दे रही है। पीएम किसान की अब तक 17 किश्तें जारी हो चुकी हैं। मोदी सरकार 3.0 के बनने के बाद सबसे पहले पीएम किसान किश्त को जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 70वीं किश्त जारी की थी, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिला था। अब किसान 18वीं किश्त को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। पीएम किसान की अगली किश्त किसानों के खातों में अब आएगी। इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन योजना की 70वीं किस्त जून में जारी की गई थी। योजना का पैसा 4 महीने के अंतराल पर लाभार्थी किसानों के खातों में भेजा जाता है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर या अक्टूबर में किश्त का पैसा पात्र किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। विपक्ष को किसानों का सम्मान नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं कृषि मंत्री बना तो मुझे लगा कि जितने भी प्रधानमंत्री देश में आज तक बने, मुझे उन सभी के भाषण पढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है 15 अगस्त का लाल किले के प्राचीन से। मैंने सुना किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज मैं दुख के साथ ये तथ्य उद्घाटित कर रहा हूं कि जब मैंने वो भाषण पढ़े तो मैं हैरान हो गया। कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन उनके मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 में एक भी बार किसान का नाम नहीं लिया, 1948 में एक बार लिया, 1939 में एक बार लिया, 1950, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, इन सभी सालों में एक भी बार किसान शब्द उनके भाषण में नजर नहीं आया ना सुनाई दिया। ये कांग्रेस की प्राथमिकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के किसानों के लिए भावना का सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया है कि किस तरह कांग्रेस उनके बारे में सोचती है। और अब राहुल गांधी भी किसानों को भड़काने का काम करते हुए नजर आते हैं और किसानों के द्वारा की गई हिंसा को बढ़ावा भी देते हैं। तभी तो 15 अगस्त से पहले राहुल गांधी और किसानों की धड़ाधड़ मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे किसान मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल। संयुक्त किसान मोर्चा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार यानी कि 6 अगस्त को संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस प्रतिनिधि मंडल में शीर्ष किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले एसकेएम के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शीर्ष किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजवाल और जोगिंदर सिंह उग्राहन शामिल होंगे। ये प्रतिनिधि मंडल मंगलवार शाम 5 बजे के आसपास मुलाकात करने की उम्मीद रखते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन 1 के खत्म होने के बाद से लंबित मांगों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से वक्त मांगा था। किसान नेताओं की इन मांगों में एमएसपी गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफी शामिल है। बीते दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऐलान किया गया कि 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों की ओर से देश भर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है। किसानों से संघू और शंभू समेत दिल्ली के लगते बॉर्डरों पर पहुंचने की अपील की गई है। फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी भी चलाई जाएगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने मोर्चे के दूसरे गुट के नेताओं से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में उन्होंने किसान नेताओं की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग का मुखर समर्थन देने का ऐलान किया था। अब वो किसान मोर्चे के दूसरे खेमे के नेताओं से मिलेंगे। किसानों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया था। हमने इसका पूरा आकलन किया है, इसका कार्यवाहन संभव है। हम इसे लेकर सरकार पर संयुक्त रूप से दबाव डालने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों की मांगों को पूरा किया जा सके। अब देखना है कि मंगलवार को होने वाली मुलाकात में राहुल गांधी और किसान नेताओं के बीच क्या बातचीत होती है और क्या 15 अगस्त को राहुल गांधी जो चाहते हैं वो होगा या नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।